वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास जोगी तबला मेकर नई दिल्ली। हेलो फ्रेंड्स, मेरी फेसबुक और यूट्यूब फैमिली, मैं आपका अपना जोगी तबला मेकर। बहुत ही प्यार मिल रहा आप सबकी बदौलत, आप सबका प्यार। और संगीत ऐसा जरिया है जो हमें सीधा भगवान से जोड़ता है, और संगीत एक ऐसी चीज है जिसको सुनने से, बजाने से या गाने से मन को शांति मिलती है और सुकून मिलता है। तो हम लोग बना रहे हैं, आप सबके साथ जुड़ना चाहते हैं, और आप सबकी ब्लेसिंग, आप सबकी सपोर्ट मेरे को मजबूर करती है कि मैं आप तक जुड़ूं, अच्छे से अच्छे तबले बनाऊं और अच्छा वर्कआउट करके आप सबके साथ जुड़ूं और अच्छे अच्छे तबले बनाऊं और उसकी एक्सेसरीज आप सबके रखूं। तो ये एक सोशल मीडिया आप सबसे प्यार है आपसे जुड़ने का। तो आज कुछ तबले मैंने बनाए हैं, प्रोफेशनल हाई क्वालिटी तबले जो पखावत सुर के होते हैं, जो पुरातन तबले हमारे, जो पहले, जो आज से काफी साल पहले जो उस्ताद लोगों ने नींव रखी, जो नीचे सुर के तबले बनाए जाते थे पहले दूसरे काले, जिसे हम खर्च के तबले बोलते हैं। ये सब आप सबका प्यार है कि मैं मजबूर हो जाता हूँ कि अच्छी अच्छी वीडियो आप तक अच्छे अच्छे तबले बनाऊं। और आप सब, सबसे पहले मेरी सबसे गुजारिश है, जो न्यू व्यूअर्स हैं, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए और आप तक पहुंचे। और जो मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं, प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी ब्लेसिंग मेरे को कमेंट्स की राय बताएं। आपका अपना जोंटी तबला मेकर। तबला बजाना, तबला बनाना एक आर्ट है, आप आर्टिस्ट हैं, हम सबका प्यार है, हम सबका परिवार है, तो हम एक दूसरे के साथ प्यार से रह सकते हैं, प्यार से जुड़ सकते हैं। तो मेरा प्यार यही है कि आप मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, मेरे तबले को ज्यादा तक, पूरे वर्ल्ड तक लेके जाएं कि मैं इसी तरह और अच्छा सीख सकूं, और आपको मेरी दुआएं और आपकी दुआएं मेरे को मिले। एक दूसरे का प्यार ही हम सबको जोड़ता है, और संगीत ऐसा जरिया है कि लड़ाई झगड़ा में देखो जुगलबंदी करते हैं लोग, कुछ ना पंगे करते हैं, लेकिन संगीत ऐसा जरिया, एक दूसरे के साथ मोहब्बत होती है, प्यार मिलता है। और ये तबले सुनिए और मेरे को ब्लेसिंग दें। आपका अपना जुमकी तबला मेकर, न्यू दिल्ली। और इसकी रेजोनेंस देखिए, ये हाई क्वालिटी, और थाप और चाप का बैलेंस। अब जाके इसके यहां सुनती, और ये देखिए मेरा प्रोफेशनल हाई क्वालिटी हैंडीक्राफ्ट तबला। जो हम तबले की लकड़ी या वुड यूज करते हैं वो सीजन की होती है, साल दो साल पहले हम उसको लेके सुखा के पॉलिश करते हैं कि वो, ताकि तबला वो बाद में सूख के प्रॉपरली, उसकी जो अंदर की गैस है उसका पानी है सूख जाए, कि जब तबला बनता है इसमें अगर उसके अंदर लकड़ी सूखी नहीं होगी, गीलापन होगा, तो पूरी सही नहीं बोलेगी, पूरी जल्दी फट जाएगी, बजिंग प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम सीजन करते हैं। और ये एक तबला और देखिए, साथ में इसकी साउंड देखिए, ये डी शार्प और सी शार्प का तबला ना हो। सब तबले इंग्लैंड जा रहे हैं हमारे बड़े भाई साहब के पास, पमी बाजी महमा मिश्कर। और आपको किसी को भी इंग्लैंड में प्रोफेशनल हाई क्वालिटी तबला देना हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे से भी, मेरे बड़े भाई परमजीत सिंह पमी बाजी। ये देखिए, हम जो कोशिश करते हैं कि इसको स्पेशली तौर पे पैकिंग करके, क्योंकि पैकिंग भी अच्छी किया हो, ये बबल रैप है, फिर इसको थर्माकोल लगा के इसको डब्बे में डालेंगे, ताकि जो भी चीज आपके पास पहुंचे शिपिंग के द्वारा आपके पास बिल्कुल इजी पहुंचे और डैमेज होके ना पहुंचे। और ये सब ब्लेसिंग दुआएं आपकी है कि आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका प्यार मिल रहा है, और इसी तरह मेरी वीडियो शेयर करें और कमेंट्स करें कि मैं और अच्छा ज्यादा क्या सीख सकता हूँ। हम सिख लोग हैं, सिख का मतलब है सीखना, और तमाम जिंदगी सीखते रहना है, और जब तक जिंदगी है तब तक सीखते रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि छोटा बच्चा भी आके हमें कुछ सिखा जाता है, क्योंकि ये संगीत है, ये समुन्दर है, इसका कोई अंत नहीं है। और कोशिश ये होती है कि कुछ बच्चे भी आते हैं जैसे बिगनर है, उनके लिए भी हम अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सके, अच्छा तबला बना के उनको दे, क्योंकि वो सीखने वाले को तबला अच्छा मिलेगा, उनको पता लगेगा, शुरू से उनके साउंड दिमाग में, उनके कान में सुनाई देगा कि अच्छा तबला है, वो अच्छा सीखेंगे। अगर उनको पहले ही हम बेकार सा तबला दे देंगे, सुरनी है, थापनी है, चाटनी है, तो क्या सीखेंगे। इसलिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम बिगनर को भी अच्छा प्रोवाइड करें। और देखिए अभी ये रिपेयरिंग के लिए मेरे पास लगा हुआ है, कितना स्मूथ हो रहा है। और अभी मैं आपको इसमें बताता हूँ कि तबले में क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे कि ये तबला बिगनर्स मेरे भाई आते हैं उनके लिए कुछ सीखने के लिए। और ये चाहिए तबला थाप और चाट का बैलेंस,
हम जैसे बजा रहे हैं धा त्रिकट दे टिटे गेना धाती गेना तीना गेना धा त्रिकट दे टिटे गेना धाती गेना दीना गेना, जैसे ये मुंह का बोल आर बोल रहे हम इसी तरीके से साफ क्लियर बोल आना चाहिए। क्योंकि अगर तबला अच्छा बना होगा, तबला सुर में होगा, धाप चार सही होगी तो ऑटोमेटिक तबला अच्छा है और बच्चा भी अच्छा सीख पाएगा। धा त्रिकट दे टिटे टिटे का भी बोल आना चाहिए। धाती घेना तीना गेना तात्रिकट दे टिटे घेना धाती घेना दीना गेना टिटे 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 घेना धा टिटे धाधा टिटे धा त्रिकट तक त्रिकट धाधा त्रिकट, ये चीजें क्लियर आना चाहिए। धीन तक टिटा, ये सब चीजें सीखने को मिलती है और मैं तो सीख रहा हूँ, आप जैसे भाई गुनीजन आते हैं सिखा जाते हैं और आप सबकी ब्लेसिंग और सपोर्ट से और आप सबकी ब्लेसिंग से आगे आ पा रहा हूँ। और प्लीज मेरे वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर के, आपका अपना छोटी तबला मेकर, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।